सो हाय एवरीवन, आज हम एक पोर्ट्रेट टैटू ट्यूटोरियल करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने स्टेंसिल रेडी कर लिया है, तो हम अभी रुके हुए हैं ताकि स्टेंसिल ड्राई हो जाए और हम टैटूइंग प्रोसेस स्टार्ट करें। इसके लिए हमने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, इक्वलाइज़र, पेन, कार्ड्रेज, बिशप मशीन और एक दो रोटरी मशीन। अगर आपको बटरी स्मूथ शेडिंग पोर्ट्रेट पे चाहिए तो आप बिशप रोटरी मशीन यूज़ करके देखिए, वो काफ़ी स्मूथ शेडिंग देता है। तो अभी जैसे कि देख रही है, हमने पोर्ट्रेट टैटूइंग स्टार्ट कर दिया है। और जब भी हम पोर्ट्रेट टैटू करना स्टार्ट करते हैं, हम लोअर बॉटम से स्टार्ट करते हैं और हम लोअर से अपर जाते हैं, ताकि जब भी हम टैटूइंग करें तो हमारा स्टेंसिल रब ना हो सके। तो अभी हमने अप्लाई किया है AND, ताकि आप जब भी टैटू करें आपका नीडल प्रॉपरली गाइड हो सके। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं 7 राउंड नीडल, मतलब इसी से हम लाइनिंग करने वाले हैं। और कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे बड़े पैचेस है वहाँ पे मैग्नम से हम फिलिंग करेंगे। तो अभी हम ये मराठी देवनागिरी स्क्रिप्ट हम लोग टैटू कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हम 7 लाइनर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम 5 लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, आप किसे प्रेफर करते हैं, बट मैं 7 लाइनर प्रेफर करता हूँ, ताकि जब भी टैटूइंग एज हो तो प्रॉपरली एज हो। और अभी हम यूज़ कर रहे हैं 9 मैग्नम, ताकि प्रॉपरली फिल हो, कोई गैप ना रहे और टैटू काफ़ी डार्क दिखे। हम राउंड मोशन में ब्लैक कलर फिल कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर डार्क कलर आ जाए आपके टैटू में। और एक बात ध्यान रखिए, अभी मैं 15 ईयर्स से टैटूइंग कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा हैंड मूवमेंट काफ़ी फास्ट आपको दिख रहा होगा, बट अगर आप एक बिगिनर हो, अभी आपने टैटूइंग करना स्टार्ट किया है, तो आप स्लोली राउंड मोशन से फिल अप करना स्टार्ट करिए, ताकि आपको प्रॉपरली समझे कि स्किन कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या कैसे हो रहा है। तो मेक श्योर आप जब भी ब्लैक फिलिंग करें स्लोली करें हैंड मूवमेंट्स। तो अभी हमने स्टार्ट किया है अपर पार्ट टैटूइंग का, जहाँ पे सॉफ्ट शेडोज़ है, काफ़ी डार्क शेडोज़ है, काफ़ी डिफरेंट टोन होने वाले हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन से टाइप के ग्रेज यूज़ करता हूँ। नॉर्मली जब भी हम डार्क स्किन्स पे वर्क करते हैं, तो मैं 3 या तो 4 मैक्सिमम डिफरेंट टाइप के इंकब्स यूज़ करके उसके अंदर मिक्सचर रेडी करते हैं, जिसमें हम ऐड करते हैं 10%, 20% एंड 60%, डिपेंडिंग ऑन द स्किन कि स्किन कितना डार्क है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है। तो अभी जो मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ वो है बिशप का रोटरी मशीन। ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन है अगर आपको स्मूथ शेडिंग चाहिए, और उसका जो सैचुरेशन और जो स्मूथनेस निकलता है, ये मशीन का आउटपुट बहुत बेस्ट है। जब भी मुझे कोई पोर्ट्रेट वगैरह करना होता है तो मैं ये बेसिकली यूज़ करता हूँ सॉफ्ट शेडोइंग के लिए, बट ये हर एक लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस होता है कि आप कौन से मशीन आप यूज टू है। तो आप ट्राई कर सकते हैं बिशप टैटूइंग मशीन, रोटरी मशीन। और मुझे एक बात और पसंद है बिशप मशीन का, कि जो वो हीटिंग करता है जब स्किन पे नीडल से, तो उसका हीटिंग
काफ़ी डिफरेंट मशीन से, आप कौन सा भी मशीन ले लीजिए, शाइन मशीन, कौन सी मशीन, उससे काफ़ी स्मूथ होता है और वो बटरी स्मूथ शेडिंग देता है। तो जब भी हम पोर्ट्रेट करते हैं, स्पेशली मैं करता हूँ, तो मैं बिशप प्रिफर करता हूँ, बट डिपेंडिंग समटाइम्स मूड होता है कि चलो शाइन से वर्क करें, तो हम लोग शाइन से भी यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप इसी मशीन से ही अच्छे शेडिंग अचीव कर सकते हैं, आप कोई भी रोटरी मशीन, कॉयल मशीन जो भी आपके पास हो, आप उनसे एक हाई लेवल का शेडिंग आप कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन योर टेक्निक, हाउ इज़ योर टेक्निक, आप कितने अच्छे हैं टैटूइंग में, आपके ड्राइंग स्किल्स भी मैटर करते हैं कि आप कौन से लेवल के ड्राइंग्स करते हैं, या आप पोर्ट्रेट ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं सिर्फ रेफरेंस इमेज देख के, या तो आप सोच के कोई ड्राइंग कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइंग स्किल्स आल्सो, मतलब आप टैटूइंग कैसा लेवल का कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस है, जिस लेवल का आपका ड्राइंग स्किल्स होंगे, जो लेवल पे आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो ही ऑलमोस्ट लेवल का आप टैटूइंग कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन नॉट ड्रॉ ऑन पेपर, अगर आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते तो ऑब्वियस आप स्किन पे तो नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिक ड्राइंग, आपको अच्छा ड्राइंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, मैं अभी स्टार्ट किया है आइज़ बनाना। आइज, नोज एंड माउथ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पोर्ट्रेट में। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ या थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ डिटेलिंग्स में, तो टैटू आपका कम्प्लीटली डिज़ास्टर हो जाएगा। तो अगर आपको एक परफेक्ट पोर्ट्रेट टैटू चाहिए, उस यू मेक श्योर, आपको ये बात तो पता ही होना चाहिए कि आईज, नोज एंड माउथ शुड बी डैम स्पॉट ऑन, वो 100% एग्जैक्टली सेम टू सेम ही होना चाहिए। और हम जब भी आईज वगैरह या तो नोज माउथ वगैरह स्टार्ट करते, तो हम 50% ग्रे वॉश यूज़ करते हैं या 30% ग्रे वॉश यूज़ करते हैं, ताकि जब भी हमें थोड़ा सा डार्क करना है तो हम डार्क वापस से डार्कर साइड कर सकते हैं, अगर कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम होती है तो। हालांकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोर्ट्रेट में मैक्सिमम जो भी डिटेलिंग वर्क होता है, जो भी स्मॉल डिटेल्स वर्क है, तो हम वो 7 राउंड से ही करते हैं, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग होल्ड करता है, क्योंकि 7 राउंड मेरे लिए प्रेफरेबल है। तो वो काफ़ी अच्छे से पूरे टैटू को होल्ड करता है काफ़ी लंबे समय तक। हम भी पहले 3 लाइनर, 5 लाइनर्स और थोड़े से पतली नीडल हम पहले यूज़ करते थे, बट इवेंचुअली टाइम के साथ में वो काफ़ी फेड हो जाते हैं। तो आप भी ट्राई करके देखिए 7 राउंड से, ताकि आपको भी पता चले और आप देख सकते हैं मतलब लंबे टाइम तक वो कैसे होल्ड करते हैं। बहुत बार हमने ऐसे टैटू किए 7 ईयर्स से, 10 ईयर्स वाले भी, और हमने अभी उनके रिजल्ट देखे हैं, उसी के बाद में हम ये नतीजे पे आए कि 7 राउंड इज़ द बेस्ट टू डू ऑल द डिटेल्स। 7 राउंड से डिटेल्स करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग वो रहते हैं। तो मैक्सिमम हेयर वर्क्स के लिए भी हम 7 राउंड ही यूज़ करेंगे, और इसमें हम 80% 50% सैचुरेटेड मिक्सिंग वाली इंक यूज़ करते हैं, ताकि वो काफ़ी डार्कर साइड भी हो और एट द सेम टाइम उसके अंदर थोड़े से लाइट टोन्स भी दिखे, वो बाकी सब चीज़ों से थोड़ा सा लाइट भी दिखे और डार्क भी दिखे। तो जैसे कि हम अभी सॉफ्ट शेडिंग्स फेस के पास में कर रहे हैं, तो सॉफ्ट शेडिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बिशप मशीन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट शेडिंग ये मशीन जैसा हिट करता है
वो कोई भी दूसरा मशीन आपको वो लेवल का सॉफ्ट हिटिंग या तो सॉफ्ट शेडोज़ नहीं दे सकता। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, या तो जो मशीन आपके पास है आप उसी से ही काम कर सकते हैं। टैटूइंग में कोई भी ऐसे रूल नहीं होते जहाँ पे आपको यही मशीन यूज़ करना है, आपको यही नीडल यूज़ करना है। आप कोई भी मशीन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नीडल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। आपका टेक्निक, आपका टाइम लिमिट, मशीन, इंक, इक्विपमेंट कोई मैटर नहीं करता। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वो बेटर है। तो आप कोई भी इक्विपमेंट से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको ये इक्विपमेंट ही चाहिए, इसी से आप काम कर सकते हैं। तो हम भी बहुत सारे ट्रायल एरर्स के साथ में हमारी ये टेक्निक हमने बिल्ड की है। तो आप भी अपना ट्रायल एरर ना हो, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप ये ट्यूटोरियल से कुछ सीख सको। तो अभी हम हेड के पास में थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम डिटेलिंग के लिए 7 राउंड यूज़ करते हैं, तो हम ये चीज़ के लिए अभी जो भी डिटेल्स हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए 7 राउंड ही यूज़ कर रहे हैं। और ये 30% ग्रे वॉश के साथ में हम ये लाइंस करते हैं ताकि वो काफ़ी डार्क ना हो जाए जब भी हम पोर्ट्रेट करते हैं। स्टार्टिंग में हमने ग्रे वॉशेस से ही काम करना है। अगर डिपेंडिंग ऑन द स्किन, अगर स्किन काफ़ी ब्राइट है या तो काफ़ी वाइट स्किन पे आप काम कर रहे हैं तो आप 20% से भी काम कर सकते हैं। बहुत बार तो हम सिर्फ ब्लड लाइंस करते हैं, सिर्फ बेसिकली हम डाइल्यूटेड वाटर से ही लाइन करते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टैटू ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप टैटू करें आप बैकग्राउंड पे स्पेशली फोकस करें। आप सिर्फ पोर्ट्रेट टैटू बना दे और उसके आजू बाजू में कोई लाइट बैकग्राउंड आप क्रिएट ना करें तो वो टैटू प्रॉपर दिखता नहीं है। कभी भी आपको एक प्रॉपर टैटू चाहिए जो वो अच्छे से दिखे और वो होल्ड हो, लॉन्ग लास्टिंग, तो आपको बैकग्राउंड पे काफ़ी फोकस देना होगा। तो आप ये ना भूले, बैकग्राउंड पे हमेशा फोकस दें आप। तो अभी हम ये 20% पिगमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी लाइट टोन है ताकि वो डार्क से लाइट काफ़ी अच्छा स्मजिंग दिखेगा। मतलब वो डार्क से लाइट अच्छा स्मज दिखने वाला है जब ही वो हील हो जाएगा। अभी वो थोड़ा सा रेडिश दिख सकता है बट आफ्टर हीलिंग वो काफ़ी अच्छा स्मज दिखेगा उसमें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि मैं और ये टाइप के ट्यूटोरियल्स बनाना चाहिए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। कमेंट कीजिए आपको जो भी आपको ट्यूटोरियल देखना है ताकि मैं वो वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हम वैसा ही कंटेंट बनाते रहेंगे।